हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा रابطہ बहाल रहे। इसी तरह का मामला शादी ब्याह के अंदर है। सादा तरीन तकरीब जो कम से कम चीज़ें के जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और तआमुल सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन से साबित हैं, उस पर इक्तफा करने की बजाय उसमें नई नई तकरीबात एक दावत की बजाय पांच पांच छः छः दावतें हो रही हैं और लोग खर्च कर रहे हैं, इसराफ भी हो रहा है, तबजीर भी हो रही है। फिर मैं अर्ज़ करूँगा दोबारा, जो करोड़पति है उनके लिए तो ये अपनी दौलत के इजहार का मापा होता है कि हम बड़े दौलतमंद हैं, गरीबों के लिए ये इसर और अगलाल बन जाते हैं। उन्हें भी ख्याल होता है मेरी भी बच्ची है, मैं उसके हाथ पीले कर रहा हूँ, वो क्या सोचेगी फलां की शादी हुई थी, किस तरह वो कोठी बुकाए नूर बनी हुई थी, मेरे वालिद को इतनी भी तौफीक न हुई कि कुछ बिजली के जो है मेरे घर के ऊपर भी जो है वो चिराग रोशन हो जाते, वहाँ इतनी बड़ी दावत हुई थी लेकिन उनको इतनी भी तौफीक न हुई कि इन्होंने कुछ लोगों को खाना खिला दिया होता। लिहाजा इंसान करता है और मजबूरन करता है, ये इस्र और अगलाल जो है इनसे निजात दिलाना भी दर हकीकत जो नबवी मिशन है इन आया इन अल्फाज के रूह से हुजूर के मकसद बेसत में शामिल है। चुनाचे मैंने आपको मालूम है कि असर तो अपनी ज़िंदगी लगाई है कुरान मजीद की तरफ लोगों को दावत देने में और कुछ अमली जिद्दोजहद के एक ऐसी जमात तैयार की जाए कि जो इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए मैदान में आ सके। ये तो मेरा असल फंक्शन रहा है, मेरा असल मौजू रहा है, मेरे सारे और बेशतर औकात इस काम में। साथ ही मैंने 1973 से ये शादी ब्याह के ज़िमन में जो इसर और अगलाल हमने अपने ऊपर डाल लिए हैं, बोझ लाद लिए हैं और गले में तौक पहन लिए हैं, इनसे इस माशरे को आज़ाद कराने की कोशिश जो मेरे नज़दीक नबवी मिशन का एक हिस्सा है, मैंने उसका भी आगाज़ किया था। अब उसके ज़िमन में आपसे तमहीदन में अर्ज़ करूँ कि ये एहसास सिर्फ मेरा नहीं था, बहुत से लोगों का रहा है कि बहुत इसराफ शुरू हो गया है, बहुत तबजीर हो रही है, ये जो एक तूबार है जो रसूमात का इसमें वक्त सर्फ होता है, आना जाना बैठना वहाँ, उसमें कितना हमारा कीमती वक्त लग जाता है। फिर कराची में ख़ास तौर पर महसूस हुआ कि अब कोई बारात जा रही है उसके साथ कुछ लोग खुद ही वैसे ही शामिल हो गए। अब जाहिर बात है कि वहाँ कोई आइडेंटिटी कार्ड जो है वो लेकर तो दाखिला नहीं होता। नतीजा ये है कि इंतज़ाम किया था 500 का, आ गए 1000 और फिर वो एक पैनिक, अब फौरन जाओ लाओ कहीं से खाना लाओ क्या करो। तो इसलिए उन्होंने फिर ये शुरू किया कि निकाह मस्जिद में हो, लेकिन ये कि उसके बाद वो जो घुट्टी में पड़ी हुई थी बातें, निकाह तो मस्जिद में हो गया, फिर किसी होटल के अंदर जाकर जो रिसेप्शन भी कर लिया। तो गोया कि वो उन्होंने सिर्फ अपने लिए एक इंतज़ामी सी सहूलत वहाँ पहुँचाई थी, हकीकत में कोई बुनियादी तब्दीली वाकई नहीं हो सकी। लेकिन ज़ियाउल हक साहब का जिक्र मैं ख़ास तौर पर करूँगा कि उन्होंने इस सिलसिले में कोशिश की थी, तादाद भी मुकर्रर कर दी इससे ज़्यादा मेहमान ना हो और भी इससे ज़्यादा खर्च ना हो, गालिबन 5000 रुपये की कोई मकदार मुकम की गई थी अगर मैं गलत नहीं मुझे याद है। लेकिन हुआ क्या उसका, चूँकि उन्हें अपनी सियासी मसलहतों के तहत वडेरों की शादियों में शिरकत करनी पड़ती थी जहाँ हज़ारों मेहमान होते थे, वहाँ गोया कि उनके आर्डिनेंस की धज्जियाँ उनकी निगाहों के सामने बिखरती थी। तो अब जाहिर बात है कि अगर आप खुद शरीक हो रहे हैं तो आपका आर्डिनेंस तो ख़त्म हो गया, उससे कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ। तीसरी बात यह है इसमें और ये बड़ी अहम है, इसको सोचिए कि इसके ज़िम्मन में दलील सिर्फ एक दे जाती रही, सादगी होनी चाहिए, किफ़ायत शारी होनी चाहिए। लेकिन ये लफ्ज़ बेमानी है, सादगी करोड़पति की कुछ और है, लखपति की कुछ और है, झुग्गी वाले की कुछ और है, सादगी कोई मानी नहीं है, रिलेटिव टर्म है, आर्बिट्रेरी टर्म है, इसके लिए कोई मजबूत मुबैन नहीं है। लिहाजा वाज अपनी जगह पर होता था और जो भी नसीहत, लेकिन उस पर अमल की कोई शक्ल नहीं होती थी। उस पर अल्लाह ताला ने खुसूसी रहनुमाई मेरी फरमाई, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कह रहा हूँ, हिदायत जो भी मिलती है अल्लाह की तरफ से मिलती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाह, कुल शुक्र और कुल स्पास और कुल हम्द और कुल सना उस अल्लाह के लिए जिसने हमें हिदायत दी
और हम हरगिज हिदायत याफ्ता ना हो सकते अगर अल्लाह ही हमें हिदायत ना देता। वो हिदायत क्या थी कि इस्लाह के अमल के लिए जो कॉर्नर स्टोन चाहिए, बुनियाद का पत्थर, वो मजबूत होना चाहिए। और वो ये है कि जो तकरीब साबित है सुन्नत रसूल से या अमल सहाबा से, उसको तो मजबूती से पकड़ लिया जाए। जैसे हदीस में अल्फाज आए हैं, अब्दू अलैहि बिन नवाजिस, अपने दांतों से पकड़ लो, कुचलियों से पकड़ लो। लेकिन जिस तकरीब का, जिस रस्म का कोई सबूत ना मिले, ना हुजूर के अमल से, ना सहाबा के ताबुल से, उसको फिर पूरी बेदर्दी के साथ और पूरी जुरत के साथ, जुरत ए दाना के साथ उसकी जड़ काट देनी चाहिए। उसमें कमी नहीं है, कमी बेशी तो फिर वही अल्फाज हो जाएंगे, रिलेटिव टर्म में कितनी कमी है, नहीं, उसे जड़ सो।